कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे बच्चों स्टेट के लिए पीजीटी का जो हमारा एग्जाम है और जो एचपीएससी स्क्रीनिंग का जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब देखो, हमने जो चैप्टर पहले किया है वो एलोएल्कीन हेलोएरीन है, कंसेप्ट सारे उसमें थे, क्वेश्चन भी हमने किए थे साथ साथ ही। आज जो हम पार्ट करेंगे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, वो है डाइजोनियम। क्या है बच्चे? डाइजोनियम। ठीक है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है उनके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो आप इसको यहाँ समझेंगे, क्योंकि तब मैं अमीन कराऊंगी ना आपको, तो वहां डाइजोनियम को कट कर देंगे। ठीक है ना, अमीन जहाँ करेंगे वहां डाइजोनियम को कट करके, क्योंकि मैं उसको अलग पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले डाइजोनियम में एक तो ये पता होना चाहिए बच्चे, लिविंग ग्रुप बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप ये होता है। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो इसकी रिएक्शन है वो है इसकी प्रिपरेशन। क्या है बच्चे? प्रिपरेशन है, जिसको बोलते हैं डाई एजो डाइजेशन। ठीक है, डाई एजो डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। अब इसकी कंडीशंस क्या होती है कि आपके पास अमीन है, जैसे ये बेंजीन है और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाया गया है। इसकी रिएक्शन आपने कर दी है किसके? NaNO2 के साथ, HCl के साथ, और 0 to 5 degree यहाँ पे टेम्परेचर है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बन जाता बच्चे? यहाँ पे डाइजोनियम बन जाता है, Na2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको ध्यान से बात क्या समझनी है, NaNO2 से भाई यहाँ पे रिएक्ट कौन करता है आगे? ठीक है, तो वो होता कौन है? वो होता है NO पॉजिटिव, यहाँ पे होता है ये इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैक करती है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो प्राइमरी वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास डाइजोनियम बन जाएगा, क्योंकि स्टेट में एक बार सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन हमसे पूछ ली थी। ठीक है, देखो अभी वही हम करते हैं। देखना, अगर आपके पास पीएच है और यहाँ पे NH और साथ में R ग्रुप लगा हुआ है, ये सेकेंडरी हो गया बच्चे, इसमें सेम डाइजोनियम की कंडीशन दे दी है, NaNO2 HCl 0 to 5 degree Celsius। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, क्योंकि अब देखना ध्यान से, यहाँ लोन पेयर है, मैंने क्या कहा NO पॉजिटिव रिएक्ट करता है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो पीएच NR, और यहाँ पे देखो बच्चे H है ना, एक H बचा हुआ है, तो लोन पे डोनेट किए गए तो पॉजिटिव, और यहाँ पे NO यहाँ आ गया। अभी क्या है, जो H है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा N को, तो यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्लीन कर देना है किस पोर्शन को, आप इसको यहाँ क्लीन कर दो H को, ये प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा था, क्योंकि प्राइमरी वाला तो सबको याद रहता है भाई, ठीक है यहाँ पे तो डाइजोनियम बनता है, सेकेंडरी में क्या बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, येलो ऑयल। देखो येलो ऑयल नाइट्रोसामिन, ठीक है नाइट्रोसामिन, नाइट्रोसामिन, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन इसकी हो जाती है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर टर्शियरी है तो बच्चे मतलब आपकी बार H की जगह है एक R ग्रुप और आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा वो आपको बताना है। वही आपको NaNO2 0 to 5 degree Celsius टेम्परेचर है, NO2 पॉजिटिव, आपको बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अब देखना, ये बेंजीन हम बना लेते हैं, क्योंकि आपकी बार कोई H तो है नहीं कि भाई इसको रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पे तो R ऐसे ही रहते हैं और NO यहाँ लग जाता है बच्चे पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ तो फिर क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी ऑर्थो पे, तो जो पैरा रहता है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यही एलिफेटिक में किया जाए बच्चे, ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे CH3NH2 है, मतलब एलिफेटिक अमीन है, तो क्या होगा, और ये सेम कंडीशन दे दी गई है NaNO2 और HCl, यहाँ डाइजोनियम बनते ही फटाफट निकल जाता है और ये CH3 पॉजिटिव बन जाता है, मतलब बच्चे यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल होती है। बात समझ में आ गई? अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, मतलब कहीं कंडीशन नहीं बन रही, पहले से स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन तब होती है तब इसमें पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा अल्कोहल बन जाता है, पानी की कंडीशन दी जाएगी हमेशा ही, ठीक है, तो
प्राइमरी अमीन की अगर डाइजोनियम की कंडीशन दी जाती है तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन रहता है और एल्कोहल फॉर्मेशन वहां पे हो जाती है। क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में देखो ये पता है लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ में HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। फिर एक बार यशप्रीत ने क्या किया था, बच्चे रिएक्शन लिख दी थी और पूछ लिया था कि ये सैंडमेयर रिएक्शन है कि गटरमैन रिएक्शन है। तो पहले हम सैंडमेयर लिखते हैं। आप पीवाई क्यों देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये। तो देखो पीएच है, N2 है, ये पॉजिटिव, ये सीएल नेगेटिव, और यहाँ पे है बच्चे सीयू सीएल2 और एचसीएल की प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया CU2Br2 और HBr, और हमने लिखा CuCN और यहाँ पे KCN, KCN, तो यहाँ पे तो आ जाएगा बच्चे Cl हटके, डाइजोनियम हटेगा, यहाँ Cl आ जाएगा मतलब, और यहाँ पे Br है तो Br हट जाएगा आ जाएगा, और यहाँ पे CN की हम रिएक्टिविटी करा रहे हैं तो यहाँ पे CN आ जाएगा, ठीक है। गटरमैन में क्या होता है वो डिफरेंस देखना, सेम वही pH, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। अब क्या चीजें आ जाएंगी, अब है CU, सिर्फ अकेला CU और साथ में HCl। अब CuCl2 नहीं है, CU2Br2 नहीं है, अब CU और HCl है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHCl, और वही सेम अगर CU आपने HBr ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHBr बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी बताओ, ये थी गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना, डिफरेंस याद रखना है। देखो सैंड में बहुत सारी चीजें होती है ना, मिट्टी जैसे है, तो इसमें ध्यान रखो इसमें ज्यादा चीजें है ना, CuCN आ गया, KCN, इसमें सिर्फ अकेला कॉपर है, ठीक है। फिर आपके पास जो रिएक्शन आ जाती है बेल सीमेन रिएक्शन आप उसको बोलते हैं। अब देखा ध्यान से समझिएगा, आपने वही डाइजोनियम लिया pH, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये है HBF4, HBF4, इसमें H पॉजिटिव होता है और BF4 क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो क्या बन जाता है, pH, pH के साथ बचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2, ये इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। BF4 ये नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे BF4 नेगेटिव आ गया, ठीक है। प्लस में HCl गैस बाहर जाती है। अगर आप इसको हीट कर देते हैं बच्चे तो ये बन जाता PHF प्लस में N2 और BF3, ठीक है। तो ये बेल स्कीमेन रिएक्शन आप इसको बोलते हैं। अगर आपको आयोडीन लेके आना है तो आपको सीधा इसकी रिएक्शन KI के साथ करानी है, तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर देखो बच्चों आपको डाइजोनियम हटा के H लेके आना है, मतलब सीधा बेंजीन बनाना है, आपके पास क्या है ये डाइजोनियम है ना, और यहाँ पे आपको ये हटा के और सीधा एच मतलब बेंजीन बना देना है, तो क्या दो चीजें आप लगा सकते हो, H3PO2 के साथ रिएक्शन कर सकते हो, और दूसरा आप किसके साथ रिएक्शन कर सकते हो, आप CH3 CH2OH के साथ मतलब अपना इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे pH मतलब अपना बेंजीन बन जाएगा दोनों जगह ये, ठीक है, दोनों जगह ये बन जाएगा, यहाँ पे भी और ये ऊपर वाले में भी, दोनों में क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप बात करो कि आपको OH लाना है, मतलब आपको फिनोल बनाना है, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको रिएक्शन पानी के साथ कर दो, किसके साथ, पानी के साथ, पानी के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा, यहाँ बेंजीन और ये OH, जो मैंने सेकेंडरी और 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन जो कराई मैंने डाइजोनियम की कंडीशन के साथ, वो ध्यान रखनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एलिफैटिक में क्या बन जाता है, डाइजोनियम की कंडीशन देने के बाद अल्कोहल बन जाता है, वो बहुत बेवकूफ बनाता है ऐसे। अच्छा फिर क्या है ये रिएक्शन में, तो उसने एस्टेट में बड़ा बच्चों को बेवकूफ बनाया, बच्चों को लगा हम बिल्कुल ठीक करके आए, कैसे, pH है, N2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और यहाँ पे HBF4 लिया गया। बच्चों ने ये देखते ही पता क्या सोचा, सीधा F लगा दो, ठीक है, पर साथ में नीचे उसने एक चीज और दे रखी थी, NaNO2 और कॉपर,
पहले हम क्या लेते थे HBF4 और सीधा हीट लिख देते थे ऐसे, उसे अब हीट हटा के NaNO2 और कॉपर लगा दिया। अब मेन आपको क्या दिख रहा है NO2, तो अब बचे ये डाइजोनियम हटके और यहाँ पे क्या लग जाता है, ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता क्या है। ठीक है, अब मैं एक आपको कन्वर्जन देती हूँ, उसमें आपको बताना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये पूछे भी जाते हैं। पीएच है N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव है बच्चे, CuCN के साथ रिएक्शन कराई गई है, ए बन जाएगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी गई है और उसके बाद यहाँ पे बी बनेगा। हाइड्रोलिसिस के बाद बच्चे उसकी रिएक्शन कराई गई है अमोनिया के साथ, ठीक है, और साथ में हीट भी है। तो बताओ क्या बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे सीएन आ जाएगा बच्चे, PHCN, और तब भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो वहां पे कार्बोक्सिलिक बन जाता है। कार्बोक्सिलिक की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा और साथ में अमाइड यहाँ पे बन जाएगा OH, और यहाँ का एक H पानी बाहर निकाल दो और अमाइड यहाँ पे बना दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपके पास बच्चे क्या है, आपके पास pH NO2 है और उसकी रिएक्शन कराई गई बच्चे Fe HCl के साथ, यहाँ पे एक A कंपाउंड बना, उस A कंपाउंड की रिएक्शन कराई गई है, अब किसके साथ कराई गई कि ये बन जाए वो बताओ। सबको पता है HNO2 और 273 डिग्री सेल्सियस, जो डाइजोनियम की है NaNO2 लिख दो, 0 to 5 डिग्री लिख दो, और 273 एक केल्विन है तो मतलब वो 0 डिग्री वाला ही हो गया ना। ठीक है, तो डाइजोनियम बन जाएगा, इसकी रिडक्शन कर दोगे तो अमीन बन जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों इसकी आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखी गई है तो ये अमाइड बनता है, ध्यान रखिएगा ये क्या बनता है, अमाइड। अच्छा, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कर दूं, इसकी रिएक्शन कर दूं Br2NaOH के साथ तो ये क्या बन जाएगा, CO गायब हो जाएगा और PHNH2 बन जाएगा, Hoffmann bromide degradation रिएक्शन जिसको बोलते हैं। Br2NaOH के साथ रिएक्शन कर दोगे तो ये CO गायब हो जाता है और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास होती है बच्चे कपलिंग रिएक्शन, कौन सी है, कपलिंग रिएक्शन। अब देखो क्या है आपके पास, वही डाइजोनियम है पहले तो Cl नेगेटिव, और यहाँ पे आपने ले रखा बच्चे फिनोल, तो यहाँ पे होता है ये H और ये Cl, HCl बाहर चला जाता है और साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चे PH N डबल बॉन्ड N और ये OH ग्रुप पूरा बेंजीन के साथ वो ऐसे ही लगा हुआ है। ये ऑरेंज कलर की मतलब आप कहेंगे कि ये डाई होती है, किस कलर की होती है, ऑरेंज, ऑरेंज डाई होती है। नाम इसका क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या है, पैरा पोजीशन पे ना, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, फिर यही आपको किसके साथ रिएक्शन करनी है, सेम एनिलिन के साथ, उसमें भी ऐसे ही बना दो, यहाँ पे NH2 है और यहाँ का जो H और ये Cl बचे वो बाहर चला जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब PH N डबल बॉन्ड N और ये और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। ये येलो कलर की डाई होती है, इसे याद रखना, यहाँ O आता है ना तो ऑरेंज कलर की डाई, और जो दूसरी बच गई वो अपने आप किस चीज की हो जाएगी, येलो की, ये येलो, और नाम क्या है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, तो ये चीजें जो थी वो आपको कुछ याद रखनी है, और मैं एक दो रिएक्शन और आपको देती हूँ तो आप मुझे बताना कि वहां पे क्या होने वाला है, मतलब प्रैक्टिस है आपके लिए। बच्चे यहाँ पे बेंजीन है, नाइट्रेशन कराया गया है उसका, जैसे HNO2 डाल दिया H2SO4 की प्रेजेंस में, तो
नाइट्रेशन हो जाता है H2SO4। तो वो तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे क्या आएगा, वो आप बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। NO2 चलो लगाई देते हैं। फिर वहां पे FeHCl डाल दिया गया है, यहाँ पे एक बी कंपाउंड बना है। और फिर यहाँ पे आपको किसके साथ रिएक्शन करनी है कि एक येलो कलर की डाई बन जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे इस बी के साथ रिएक्शन की गई है NaNO2 और अपना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ एक कंपाउंड बन जाता है ई, ठीक है। उसकी रिएक्शन की गई है H3PO2 के साथ, ठीक है। और जो ये कंपाउंड बना है इसकी फिर से नाइट्रेशन की गई है, क्या गई है, नाइट्रेशन की गई है। तो क्या बनने वाला है, इसको सी नाम दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे डाला गया है बच्चे NH4 का ट्वाइस, ये SS सल्फाइड है, मतलब सल्फर डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा डी, वो सब कुछ आपको बताना है। देखो पहले नाइट्रेशन NO2 होगी, दोबारा नाइट्रेशन करेंगे तो बच्चे ये पैरा वो सॉरी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो मेटा पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये NO2 और ये मेटा पे भी NO2। इसकी रिडक्शन की गई है तो ये क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा यहाँ पे एनिलीन। और इसकी डाइजोनियम के साथ रिएक्शन करा दोगे PHN2Cl, तो ये येलो कलर की जॉब भी मैंने बताई थी, ये वाली रिएक्शन होके डाई बन जाएगी। फिर इसकी रिएक्शन अगर आप अमीन की रिएक्शन NaNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस से कर दोगे तो ये PHN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा डाइजोनियम। H3PO2 के साथ कर दोगे तो बच्चे यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ बेंजीन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगर NH4 ट्वाइस और S के साथ आप रिएक्शन करते हो तो ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चे, सिर्फ एक ग्रुप को ही रिड्यूस करके और NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे ये NO2 का NO2 ही रहेगा, मतलब ये सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ही वहां पे क्या करेगा, रिडक्शन वहां पे करने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो डाइजोनियम था वो हमारे यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है।